बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कॉमेडियंस की बात की जाए तो ऐसे कई स्टार हैं जो कि अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर हैं, और इन्हीं में से एक स्टार हैं बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म थ्री इडियट्स के चतुर की। जी हाँ दर्शकों, थ्री इडियट मूवी तो आपको याद ही होगी, जिसमें आमिर खान के साथ कई ऐसे स्टार नजर आए जिनकी एक्टिंग को देखकर सभी उन पर फिदा हो गए। वहीं इनमें से एक कैरेक्टर था चतुर का। जी हाँ, थ्री इडियट्स ने उनके जिंदगी में सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। आपको बता दें, ये तीन दोस्तों की कहानी थी जो कि बेहद ही शानदार थी, जिसमें फरहान, राजू और रेंचो कॉलेज के दिनों में बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करते थे और बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को फिल्माया गया था बड़े पर्दे पर। वहीं इनके अलावा फिल्म में एक और ऐसा किरदार था जिसने काफ़ी हंसाया था, और उन्हें यानी कि उनके डायलॉग सुनकर लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पाए थे, और ये थे चतुर रामलिंगम यानी कि साइलेंसर। जी हाँ, साइलेंसर के किरदार को लोगों ने काफ़ी सराहा था। चतुर के बोलने का अंदाज और पड़ाकू स्वभाव को सभी अब तक याद करते हैं। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस किरदार को जिन्होंने निभाया था उन एक्टर का नाम है ओमी वैद्य। जी हाँ, ओमी वैसे तो कोंकणी परिवार से बिलोंग करते हैं, वहीं ये अमेरिका में रहते हैं। ओमी ने थ्री इडियट्स के अलावा कई टीवी सीरियल्स और एड्स में काम किया है, पर लोग इन्हें साइलेंसर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस रोल के लिए उन्हें आईफा अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। ओमी वैद्य की बात करें तो 22 अगस्त 2009 में इन्होंने शादी कर ली, और इनकी पत्नी का नाम है मीनल पटेल। जी हाँ दर्शकों, अगर बात करें इनकी पत्नी की तो इनकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि वाकई में इन दोनों की जोड़ी बेहद ही शानदार है। और साल 2015 में इनका एक बेटा भी हुआ, और वहीं मीनल की बात की जाए तो वो बेहद खूबसूरत है, अक्सर इन दोनों को साथ में देखा जाता है। सो फ्रेंड्स, जहां एक ओर ओमी वैद्य अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी भी बेहद ही खूबसूरत हैं। आपकी क्या राय है ओमी वैद्य के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।